आप जो देख रहे हैं यह है सुभाष मोहल्ला और यहाँ पे आज हनुमान जयंती हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया है बजरंग दल द्वारा और यहाँ पे राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और जिसका यहाँ पे शुभारंभ एक तरीके से कर दिया गया है और आप देखिए यहाँ जोत प्रचंड कर दी गई है। मगर इसके साथ साथ एक चीज़ दिखाना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर एक उत्साह देखा जा रहा है। ये सुभाष मोहल्ला जिसमें इन बच्चों का उत्साह देखे लायक है और ये राम जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है और अभी यहाँ कुछ ही क्षणों में हनुमान चालीसा का आयोजन भी होना है। मगर आप इन बच्चों का उत्साह देखिए किस तरीके से बच्चे छोटे छोटे बच्चे, यही हमारे आने वाले भविष्य हैं और यही सनातन धर्म और हिंदू समाज को आगे जीवित रखेंगे, यही इस कार्य को इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और अब शुरू हो गया है। सुभाष मोहल्ला रबड़ फैक्ट्री के पास ये आयोजन जो कि राम जन्म उत्सव का मनाया गया है, यहाँ आज 9 अप्रैल को भव्य हनुमान चालीसा पाठ का भी आयोजन हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ मौजूद रहे। यहाँ बजरंग दल हो, क्षेत्र निवासी हो या इस क्षेत्र में महिला और बड़े बुजुर्ग हों, सभी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने भगवा झंडा लहरा के इस पूरे क्षेत्र में और इस पूरे क्षेत्र का ही माहौल बदल दिया। सबकी जवान पे एक ही नारा था, एक ही आवाज़ थी, जय श्री राम जय बजरंगबली। आपके सामने है कि किस तरीके से यहाँ भव्य आयोजन किया गया और इसका सारा श्रेय यहाँ के क्षेत्र निवासियों को जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है इस कार्यक्रम का आयोजन करने में। वैसे तो इसका आयोजन बजरंग दल ने किया, जिसका सेवा सुरक्षा और संस्कार एक मोटो है और यह लगातार इस पे काम कर रहे हैं। अब देखिए ये छोटे छोटे बच्चे अगर इस तरीके के हनुमान चालीसा में आते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, जो भी उसमें धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें अगर ये बच्चे आते हैं, इस तरीके के आयोजन में अपनी पार्टिसिपेट करते हैं, वह शामिल होते हैं, तो आप खुद समझदार हैं कि किस तरीके से आगे जनरेशन का यहाँ पे कायाकल्प हो रहा है और उनको अपने धर्म, अपने कर्म और अपने इंसानियत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये काबिले तारीफ है कि किस तरीके से यहाँ पे भव्य आयोजन हुआ और यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी दिखावा या शोर शराबा नहीं दिखा। सभी ने हनुमान चालीसा का इसमें पाठ में अपना भाग दिया, लोगों ने इस आयोजन का खूब आनंद लिया और जमकर भगवा लहराया। जय श्री राम और जय हनुमान के नारे तो यहाँ
हर सेकंड हर मिनट में गूंज रहे थे। महिलाएं हों, बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, सब ने यहाँ 108 बार हनुमान जी का नाम लेके उनकी इस भव्य झांकी का आनंद उठाया और जोरदार स्वागत किया जब हनुमान जी की झांकी उनके बीच में प्रस्तुत हुई। आप खुद देखिए कि किस तरीके से जब हनुमान जी यहाँ मौजूद हुए, उन्होंने ये झांकी यहाँ पे लोगों के बीच में रखी, तो इस रूप को देख के वहाँ के सभी लोग इस रंग में रंग गए और जय श्री राम के नारे चारों साइड गूंजने लगे। उसके बाद क्या था, हनुमान जी का भी यह भव्य रूप अपने आप में देखने लायक था और लोगों ने इसके बाद हनुमान चालीसा का आरती करके इसको समापन किया और एक दूसरे को प्रसाद बांटा, सभी आए लोगों का धन्यवाद किया और यह संकल्प लिया कि हम अपने धर्म, अपने समाज और अपने बच्चों का संस्कार ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और हम अपने क्षेत्र में ऐसे आयोजन करते रहेंगे।